व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इंद्रेश वीडियो। आज हम देखने वाले उर्वशी राउतेला मस्ट बी स्टॉप्ड नाउ। अब क्या कर दिया है? ओके, ये भी ठीक है। तो अब क्या हुआ है ऐसा कि सुर्खियों में फिर से आ चुकी हैं और थगेश भाई मजबूर हो चुके हैं स्टॉप नाउ लिखने पर। काफी भारी भरकम वर्ड लगता है स्टॉप नाउ। तो लेट्स सी द वीडियो, उर्वशी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। मुकेश अंबानी के पोते ने उनसे खिलौना मांगा तो उन्होंने पूरी हैमली खरीद ली। मुकेश अंबानी के पोते ने कहा होगा कि मुझे स्पाइडरमैन से मिलना है, तो उन्होंने स्पाइडरमैन को मुंबई बुला लिया, साथ में उसकी गर्लफ्रेंड को भी। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ आईपीएल मैच को वीआईपी की तरह देखने का चांस। जी, आपको मिल सकती है आईपीएल की वीआईपी कपल टिकट, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। पूरा वीडियो जरूर देखना। कुछ दिनों पहले नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेरेमनी की लॉन्च पार्टी थी और हमारे प्यारे प्यारे पापा राजी ने इतना बवाल मचाया कि गेस्ट भी कंफ्यूज हो गए कि आर्ट एग्जीबिशन बाहर है कि अंदर। शर्मा गए, जीजाजी शर्मा गए। कौन से आर्ट का प्रदर्शन कर रहे जर्नलिस्ट? निक जोनस को बोल रहे जीजाजी शर्मा गए। वो शर्मा सकते हैं क्योंकि उनमें शर्म है, उसमें भी होती तो ऐसी हरकतें ना कर रहा होता जीजाजी। प्रियंका चोपड़ा के सामने उसके पति को निकुआ निकुआ कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन प्रियंका को तो समझ आ रहा है ना, किसी दिन ब्रैड पिट आ गया तो क्या बोलेगा, ब्रैडवा पिटवा पिटवा। इतना ही नहीं, हॉलीवुड स्टार जेंडिया झेंडाया क्या बोलते हैं, गीगी हदीद, टॉम हॉलैंड को भी बुलाया था। मुकेश अंबानी ने सारी तैयारियां बहुत अच्छे से की, बस जर्नलिस्ट की तैयारी नहीं कर पाए। मकड़ी मैन, टॉम होमकमिंग का मकड़ी मैन बुलाया भी उसके सामने, गजब है। हाँ बैटमैन मत आना भाई, इधर चमगादड़ बिमगादड़ बोल देंगे तेरे को, बेइज्जती हो जाएगा। तेरे बैटमोबाइल के लिए पार्किंग भी नहीं है, इधर फोटो लेके चले आएंगे तेरा। Snap! This one is going into my crazy compilation. Tom Homecoming. उसको उसकी मूवी का याद दिलाया, घर पे खाने पे बुला रहे। Tom, 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 Homecoming. Tom, Tom, Dinner, Dinner, Tom. मूली मूली पराठा. Full gas. Gas for 20%. Your costume pack. अंदर gas. Full die. Tom. Tom Homecoming. आ जाओ जल्दी आ। इसको ले लो। इसको ले लो। खेरे अपनी बातें कैसे पहुंचाए उन तक। देखो ऐसे देखूं तो फनी तो है, अनप्रोफेशनल है लेकिन फनी भी है। जीजी को, जीजी को उसी कड़े बोला, तुम लोग बच गए हो, विल स्मिथ नहीं आया, उसकी बीवी को यार तेरा बोला होता ना सीधा खेल देता। इवेंट के दिन ऐसा लग रहा था बॉलीवुड को पूरा छुट्टी का दिन दे दिया है, क्योंकि उनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब स्टार्स थे वहाँ पे। मुझे लगता है ना बॉलीवुड वालों का मुकेश अंबानी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मुकेश अंबानी एक इनवाइट डालता होगा, सब ऐसा थंब डाल के आ जाते हैं। इवेंट में वरुण धवन ने जीजी को स्टेज पे उठा लिया, उसे किस भी क्या गाल पे। हाँ, ये उसे मीम भी तो बन रहा है, उसे भेज रहे हैं। ये कौन है? टॉम हॉलैंड। वरुण भाई हर एक्ट्रेस को गोदी में उठा लेते, माना ये स्क्रिप्टेड था, ये सब प्लान है। हाइट बड़ी होती है ना एक्ट्रेस की, तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता होता है। तो उसमें इंटरनेट के मॉरल पुलिसिंग वाले पहुंच गए। अदिति दीदी ने एक ट्वीट किया, अगर आप एक औरत है तो आप कहीं भी किसी के भी साथ सुरक्षित नहीं है। अगर आप गीगी हडीड है और एलीट क्लास पार्टी में इनवाइटेड है, फिर भी वरुण धवन जैसे लड़के तुम्हें रैंडमली उठा के किस कर लेंगे। ओ भाई, लेट्स गो गर्ल। लेकिन गर्ल ये स्क्रिप्टेड था गर्ल। वरुण धवन ने खुद इस पर रिप्लाई दिया, ज्यादा शादी मत बन, ये सब पहले से प्लान था। वाह दीदी, वाह दीदी। और इस इवेंट में शाहरुख भाई की पूरी फैमिली भी मौजूद थी, और एंट्री के वक्त शाहरुख भाई नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए शाहरुख की फैमिली ने सलमान भाई के साथ फोटो ले ली। है कौन तू मेरी बीवी का? क्या लगता है तू उसका? बड़ा भाई उसका? उसका छोटा भाई है, चचेरा भाई है, मामा है, ताया, क्या है तू? क्या रिश्ता क्या तेरा मेरे बीवी के साथ? सलमान भाई कितने अच्छे लग रहे हैं यार फैमिली फोटो में। क्या यार लल्लू भाई कर लो ना, कहाँ है शाहरुख भाई की फैमिली? यहाँ है तो शाहरुख भाई कहाँ है? अच्छा सिंगल बने घूम रहे है शाहरुख भाई। क्या आर्यन और शाहरुख भाई सेम फ्रेम में आ गए तो लोग आर्यन को एज में बड़ा ना समझ ले। भाई 57 की उम्र में शाहरुख ऐसा दिख रहा है, ये फोटो डाली है ना, बोलते कि बाप जैसा दिख रहा है। फोटो के कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं बाप बेटे ऐसा दिख रहा है।
और सलमान जिस इवेंट में हो, अगर उस इवेंट में ऐश्वर्या राय भी हो तो भाई मीडिया वालों के तो मजे मजे ही मजे हैं। कंटेंट ये एडिट किया है लोग भाई साहब गजब। देखो ऐश्वर्या एंड सलमान इन सेम फ्रेम, अभी तो ये लोग को क्लिकबेट कर रहे हो, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा है? हाँ। अरे रुको जरा, और भी है, ये देखो फोटोज। रेखा जी, अच्छा हुआ इवेंट में अमिताभ बच्चन जी नहीं थे, वरना तो ये लोग के तो मजे हो जाते। बट मेरे को लगता है बॉलीवुड में अगर कोई सारे लफड़े सुलझा सकता है ना तो वो मुकेश अंबानी है। इतना पावर सबको एक उसमें। आईपीएल में एक लड़की पोस्टर लेके आई कि थैंक गॉड उर्वशी इज नॉट हियर, एंड उसी पे कैमरामैन ने इंस्टा पे डाला है वायली। और क्या फिर उर्वशी दीदी ने डायरेक्ट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया, कैप्शन लिखा व्हाई, इसलिए क्योंकि उर्वशी उर्वशी टेक इट इजी। देखो फनी चीज ये है कि पोस्टर के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था, लेकिन जब उर्वशी ने अपने ही पेज पे ये डाल दिया तब पता लगा लोगों को। ये दीदी खुद वायरल बहनी है, इसको वायरल बहनी की जरूरत भी नहीं है। अब उर्वशी की बात चल ही रही है तो बात करते हैं ऋषभ भाई की। तो आपको पता ही होगा रिसेंटली आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का जो डगआउट है जहां पे प्लेयर्स बैठते हैं, वहां पे ऋषभ पंत का जर्सी लगाया था ट्रिब्यूट देने के लिए भाई को। लेकिन बात यह है कि बीसीसीआई ऑफिशियल इससे ज्यादा खुश नहीं है। हाँ। उनके अनुसार ये कुछ ज्यादा ही ट्रिब्यूट हो गया। हाँ। कि भाई अभी है दुनिया में। हाँ। लोगों को जिनको नहीं पता उनको लगेगा ये तब क्या होता है जब बेचारा कोई चल बसता है। हाँ। भाई तो अब अच्छा खासा रिकवरी कर रहे हैं, आईपीएल में भी आके गए, तो बीसीसीआई के अनुसार ये थोड़ा ज्यादा। उर्वशी रौतेला फेस मास्क लगाकर रस्ते पे घूमती हुई नजर आई। देखो दीदी माना आप दुबई के अम्बेसडर हो, लेकिन गोल्डन मास्क यहाँ पे गले से चेन निकाल के चले जाते, मालूम नहीं पड़ता असली गोल्ड समझ के मुड़े के चले आएंगे लोग। गाड़ी में बैठने जल्दी बैठ जाओ, मुड़ मुड़ के ऐसा डराओ ना लोगों को। एक बार के लिए मेरे को लगा राज कुंद्रा आ गए। अगले सेगमेंट में चुम्बेश्वरी साउथ में न्यूज है एक बेंगलुरु के आदमी की। तो अभी आदमी अबू धाबी में था, उसको कॉल आया कि उसको 44 करोड़ की लॉटरी लग गई है। उत्तरी ऐसे कॉल हमें नहीं, उसको लगा भाई कोई प्रैंक कॉल कर रहा है, उसने कट कर दिया और नंबर ब्लॉक भी कर दिया। सच में लगी थी क्या? फिर दूसरे नंबर से कॉल आया कि भाई भूल गया तूने टिकट खरीदी थी, तेरे को लग गई है लॉटरी 44 करोड़। तब उसको विश्वास हुआ कि हाँ भाई, दूसरी बार जिंदगी से विश्वास उठ गया था कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। भिखारी के हाथ में सोने का लोटा दो ना, फिर भी भिखारी को लगा कि ये पीतल है क्योंकि सोने का तो हमको कौन ही देगा। और क्या अगली न्यूज आ रही है बॉलीवुड से, तो ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 और 3 की रिलीज डेट्स आ चुकी है। अच्छा शूट हो गया कंप्लीट। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 दिसंबर 2026 में रिलीज होगा, पार्ट 3 दिसंबर 2027 में। यस दोनों मूवीज एक साथ शूट होंगी। डायरेक्टर रायन मुखर्जी ने बोला कि ये बहुत बड़ा टास्क है, इसलिए वो स्क्रिप्टिंग में और टाइम देना चाहते हैं। मैं बोल रहा हूँ ले लो भाई, चाहिए और 4 साल ले लो, लेकिन ब्रह्मास्त्र एक पिज्जा जैसा है, ये डायलॉग्स मत लिखना। बेसिकली आयन ने कहा है कि वो इतना टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हें एक बड़ी मूवी डायरेक्ट करने का ऑफर आया और वो मूवी आयन करना चाहते हैं। सच में स्क्रिप्ट पे काम करने वाले हैं, ये रीजन है बता दो। 90 पेज की स्क्रिप्ट में 60 पेज शिवा शिवा शिवा, ये नहीं चाहिए हमको। ब्रह्मास्त्र की स्क्रिप्टिंग के बीच में आयन मुखर्जी पता है क्या कर रहे हैं? वॉर 2 डायरेक्ट कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है यार, अस्त्र वर्स से सीधा स्पाई यूनिवर्स में कूद रहे हैं आयन भाई। अच्छा वॉर 2 भी आ रही है। कौन हो तुम? क्या हो तुम? ईशा मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से। वॉर 2 में तो क्योंकि तुम खुद एक अग्नि अस्त्र। और क्या अगली न्यूज आ रही है आईपीएल से। आईपीएल में टीम और प्लेयर के बीच कॉम्पिटिशन कम, उनके फैंस के बीच में कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है। तो आरसीबी और मुंबई का जो मैच हुआ था उसमें आरसीबी के फैंस रोहित भाई को वड़ा पाव बोल के चिढ़ा रहे। भाई साहब गजब है लोग भी। जब खुद का वड़ा पाव ना बिक रहा हो ना तो इसी तरह चिल्लाते चिल्लाने वाले। देखो आई हैव अ बिग विराट कोहली एंड आरसीबी फैन, लेकिन ये मैं सह नहीं सकता। ओके कैप्टन है यार देश का, ऐसा इंसल्ट मत करो। बिल्कुल सही बात। ये सीट देखो, ये स्टेडियम में जो वड़ा पाव बिक रहे होंगे ना वो भी नहीं लोगे तुम लोग। क्या चाहते हो तुम? रोहित शर्मा गुस्सा हो जाए फील्ड पे, हाँ मैच छोड़ के वड़ा पाव खाने चले जाए, इसे सब चाहिए क्या? जिस विराट कोहली के तुम फैन हो अगर उसने ये सुन लिया ना पहले वो तुमको गाली देगा। मत करो। मैच खत्म होने के बाद तुमको घर जाने के लिए 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगता है, रिक्शा ट्रेन मेट्रो, और तुम रोहित को वड़ा पाव बुला रहे हो। सही में बिल्कुल सही। वीडियो वायरल हुआ तो रोहित और विराट फैंस के बीच हो गया राड़ा।
ट्विटर पे अतरंगी अतरंगी ट्रेंड जा गए, देखो कोहली का कुत्ता रोहित, कोहली शर्मा एंड धोनी ट्रेंडिंग टुगेदर इन इंडिया। काम डाउन भाई, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना इलॉन मस्क ने ट्विटर का लोगो चेंज करके ओके का लोगो लगा दिया है। इसी पे हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, इंटरनेशनल छपरी। इलॉन मस्क ने सालों पुराने ट्विटर लोगो को चेंज करके डॉज मीम का लोगो लगा दिया है। जब मस्क ने ट्विटर खरीदा तब ट्विटर पे किसी ने मजाक मजाक में बोल दिया था, ट्विटर खरीद लो और बर्ड का लोगो चेंज करके डॉज का लोगो लगा दो, और इलॉन मस्क ने हंस दिया कमेंट में। अभी देखो रेस्ट इज हिस्ट्री, बस इतना जो करने के चक्कर में बंदे ने 44 बिलियन डॉलर का कंपनी खरीद लिया। और क्या हनी सिंह की न्यूज आ रही है अगली, तो हनी सिंह का एक और नया अपडेट आ गया है। अपडेट मतलब हनी सिंह वर्जन में अपडेट आया, हनी सिंह 3.0 आ रहा है वापस। इतना मेरा विंडोज अपडेट नहीं आता भाई। हनी सिंह आपको पता है ये ब्लूटूथ एरा के किंग माने जाते हैं, जब जियो नहीं था, जब ब्लूटूथ पे गाने शेयर होते थे तब इनके गाने शेयर होते। कुछ प्रॉब्लम्स के चलते बाहर हो गए तो कमबैक करने के लिए हनी सिंह 2.0 लाया इन्होंने। लेकिन इंटरनेट पे लोगों ने इस हनी सिंह के अपडेट पे काफी मीम्स बनाए, थक गया उब्रो हनी सिंह का कमबैक का वेट करते करते। लौंडा कमबैक कर करके नहीं थक रहा, तुम वेट कर करके थक रहे हो, देख रहे हो कितने कमबैक हो रहे। ये देखो भाई, अबे भाई कमबैक है या एंड्रॉइड अपडेट। लोग भी भाई साहब मौका ढूंढते मीम्स बनाने का, कोई एंड्रॉइड अपडेट बोल रहा है, कोई विंडोज अपडेट बोल रहा है, ये तो चलो फिर भी टाइम ले रहा है। इमेजिन किसी दिन हरी सिंह 13.3.5 अपडेट आएगा, जैसे एंड्रॉइड के सब क्या आते हैं। आई होप ऐसा ना हो, वी ऑल लव हनी पाजी, ओके हमको चाहिए बैंगर गाने आए। सेम बॉडी बना ली भाई ने, सेम हेयर स्टाइल थी पहले वो कर लिया, अभी बस सेम गाने जैसे बिल्कुल शुरू में। हां जैसे भाई साहब लोग तो कलाकार है, मौका चाहिए था कुछ भी हो जाए। एक वो सबसे पहले तो वो मुझे गलत लगा, वो गलत लगा जिस तरीके से वो हूटिंग कर रहे थे, जिस तरीके वो गलत था टू बी फ्रैंक। और जिसके लिए मतलब जैसे अगर कोहली के फैंस भी कर रहे होंगे ना, उसके लिए उसको खुद को पसंद नहीं आई, नहीं पसंद आता भाई, स्पोर्ट्समैनशिप वाली बात होती है। एक टीम को हूट करना और एक फिर भी एक उसके लिए जो कि आईपीएल अलग है बट वो कैप्टन है, गलत वो गलत था, डिसरिस्पेक्टफुल था वो चीज तो। और जैसे एक वो मस्त था, सच में साइन चेंज हो गया क्या पता नहीं, लेकिन मेरे को बड़ा मस्त लगा जब वो ये जो कल्चरल प्रोग्राम होता है उसमें क्या कह रहे हैं, जीजा जी निकवा निकवा क्या टॉम होमकमिंग मकड़ा मैन, भाई साहब गजब है अपनी मीडिया। तो वही आ रहा है, ट्विटर का लोगो चेंज तो नहीं हुआ, ट्विटर न्यू लोगो ट्विटर जब खोला था तो ट्विटर यहाँ से कर देती ऐसे क्लिक, यही साइन आ जाता। नहीं भैया अभी तक तो वही है, अभी तक तो बिल्ली ही है, बिल्ली नहीं वो चिड़िया ही है अभी तक, चिड़िया अभी तक नहीं हुई चेंज। बाकी भाई साहब मुझे बड़ा मजा आया जिस तरीके से लगे हुए थे ना, अगर मैं बता रहा हूँ अगर इंडिया वाला कोई वहां जाता और उसके ऐसे करते इंडिया वाले बड़ी जल्दी रोस्ट कर देते, पकड़ो मकड़ा मैन आ गया, सोच पूरी डीसी की टीम आ जाती है, मार्वल वाले आते तो क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा, ये कौन है शकीरा है क्या। भाई साहब गजब वीडियो थी, एंड अपने देश में कलाकारों की कमी नहीं है। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था जरूर बताना, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय टेक केयर।